क्या है अमेजिंग की सक्सेस का सबसे बड़ा रीजन और क्या है सबसे बड़ी सेल्स सीख जेफ बेजोस की, आज देखेंगे इस वीडियो में। कुछ साल पहले बैठे बैठे अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस ने एक टिश्यू पेपर पर एक डायग्राम ड्रॉ किया। वो डायग्राम है एक साइकिल, एक ऐसी साइकिल जिसने अमेजन को इतना ज्यादा सक्सेसफुल बना दिया। क्या है ये साइकिल? ये साइकिल है वर्चुअस साइकिल। वर्चुअस साइकिल कहती है कस्टमर एक्सपीरियंस इज एवरीथिंग फॉर द ग्रोथ ऑफ द कंपनी, फॉर द ग्रोथ ऑफ सेल्स। अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस ने ये एक टिश्यू पेपर पे ड्रॉ किया था। ये देखिए, यहां से शुरू होता है, जितना अच्छा कस्टमर एक्सपीरियंस होगा उतना ज्यादा ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे आएगा। अगर आप ऐसा काम करते हैं जो ऑफलाइन बिजनेस है, तो जितना ज्यादा आप कस्टमर को अच्छा एक्सपीरियंस देंगे, अच्छी सर्विस देंगे, उतना ज्यादा बार आपकी शॉप पर कस्टमर आएगा। तो जितना अच्छा कस्टमर एक्सपीरियंस होगा उतना ज्यादा ट्रैफिक आएगा, जितना ज्यादा ट्रैफिक आएगा आपकी वेबसाइट पे या जितने ज्यादा कस्टमर्स आएंगे आपकी वेबसाइट पे, आपकी शॉप पर, उतना ज्यादा सेलर्स आएंगे। जितने ज्यादा कस्टमर आ रहे हैं अमेजन पे, उतने ज्यादा सेलर वहां अपना सामान बेचना चाहेंगे। और जितने ज्यादा सेलर्स आएंगे तो एक कस्टमर के लिए वैरायटी बढ़ जाएगी। सिलेक्शन जितनी चीजों में उसको करना है, वो सिलेक्शन वैरायटी उसके लिए बढ़ जाएगी, और ये चीज एड ऑन करेगी कस्टमर एक्सपीरियंस को और बेटर बनाने में। इसके साथ ही जब कस्टमर एक्सपीरियंस बढ़िया होगा तो ग्रोथ नेचुरली होगी। जब बिजनेस की ग्रोथ होगी तो लोअर कॉस्ट स्ट्रक्चर होगा, मतलब जब बिजनेस ग्रो करेगा तो कॉस्टिंग, जो पर कस्टमर एक्विजिशन पे कॉस्ट आती है, कस्टमर को अपने पास बुलाने के लिए जो कॉस्ट आती है, वो कॉस्ट कम हो जाएगी। जब कॉस्ट स्ट्रक्चर कम हो जाएगा तो आप कस्टमर को और ज्यादा डिस्काउंट दे पाएंगे। जब और ज्यादा डिस्काउंट दे पाएंगे तो अगेन ये चीज भी कस्टमर एक्सपीरियंस को बेटर बनाने में एड ऑन करेगी। ये वर्चुअस साइकिल जेफ बेजोस ने बनाई थी, और ये वर्चुअस साइकिल ही अमेजन की सक्सेस का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है। जेफ बेजोस कहते हैं कि मेरा सबसे बड़ा कंसर्न है कि कस्टमर का, एंड यूजर का एक्सपीरियंस बहुत अल्टीमेट होना चाहिए। जब भी वो अमेजन पे आए उसका बाइंग एक्सपीरियंस इनक्रेडिबल होना चाहिए, एकदम स्मूथ होना चाहिए, विदाउट एनी एरर होना चाहिए। यही सबसे बड़ी बिजनेस सीख भी है जेफ बेजोस की। जेफ बेजोस कहते हैं कि अगर आपको अपनी सेल्स ग्रो करनी है तो कस्टमर को एक बहुत अल्टीमेट, एक यूनिक और कंफर्टेबल एक्सपीरियंस दीजिए। ऐसा कस्टमर को एक्सपीरियंस दीजिए कि वो बार बार लौट कर आपके पास आए, और जब भी वो बार बार लौट कर आपके पास आएगा आपकी सेल्स बढ़ेगी, और वो जाकर और चार लोगों को आपके बिजनेस, आपके प्रोडक्ट के बारे में बताएगा। अगेन नए कस्टमर्स आपसे जुड़ेंगे, आपकी सेल्स ग्रो होगी। आप किसी भी बिजनेस में हैं, एक चीज गांठ बांध लीजिए, अगर आपको अपनी सेल्स ग्रो करनी है तो आपको कस्टमर एक्सपीरियंस, आपकी शॉप पर कस्टमर जब तक आया और जब वो चला गया, और जाने के बाद प्रोडक्ट बाय करने के बाद आफ्टर सेल सर्विसेज भी इसमें आती है कस्टमर एक्सपीरियंस में, ओवरऑल कस्टमर का एक्सपीरियंस राइट बिकमिंग फ्रॉम बिकमिंग अ प्रोस्पेक्ट टू बिकमिंग अ आफ्टर सेल सर्विस यूजर, उसका जो एक्सपीरियंस होना चाहिए ए टू जेड, वो अल्टीमेट और बेस्ट होना चाहिए। अगर आप अपना बिजनेस लॉन्ग टर्म में एक अच्छे लेवल पर स्केल करना चाहते हैं, एक अपनी सेल्स को अच्छे लेवल पर ग्रो करना चाहते हैं, तो इन दिस वीडियो दैट्स ऑल। मिलते हैं नए वीडियो में। दिस इज गौरव द्विवेदी साइनिंग आउट अंटिल वी मीट अगेन।